नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि हिंदुस्तान के कॉरपोरेट इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। आज मैं किसी मुकेश अंबानी के बारे में, राधा कृष्ण अंबानी के बारे में, राकेश झुंझुनवाला, सुनील भारती, मित्तल, आनंद महिंद्रा जैसे टाटा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं। मैं बल्कि इनके भी सबसे बड़े गुरु माने जाने वाले HDFC ग्रुप के चेयरमैन श्री दीपक पारेख जी के बारे में बात करने वाला हूं। आज दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आप में से सभी लोग मुकेश अंबानी, दमानी, झुंझुनवाला, महिंद्रा, गोदरेज या फिर टाटा को तो जानते ही होंगे, लेकिन ये एक ऐसी हस्ती है जिनके बारे में आप सभी को जानना चाहिए क्योंकि हमको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आज इसीलिए मैं इन्हीं के बारे में वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज इस देश का कोई भी सेक्टर नहीं है जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनको शामिल ना करना चाहता हो। आज दोस्तों ये सिर्फ HDFC ग्रुप के साथ ही नाता नहीं रखते बल्कि हिंदुस्तान की कई सारी कॉर्पोरेट्स के साथ नाता रखते हैं, बल्कि ये RBI से भी नाता रखते हैं। इसीलिए दोस्तों आज शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यू विल हैव मोर कैपेक्स, यू विल हैव लेस लेवरेज, प्राइवेट सेक्टर विल फाइंड द नेसेसरी कैपिटल, लेस कंपनीज विल गो टू NCLT, promoters will be better behaved and better disciplined, and India will progress. So we can't have so much negativism. Where is the capital going to come from? It will come. अब दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 18th October 1944 से, जब श्री दीपक पारेख जी का मुंबई में एक गुजराती फैमिली में जन्म हुआ था। दीपक पारेख जी ने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन मुंबई से सेंट जेवियर स्कूल से की और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से उन्होंने BCom की डिग्री हासिल की और उसके बाद से दोस्तों दीपक पारेख जी चल दिए इंग्लैंड में अपने CA की डिग्री हासिल करने। और CA की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत वहीं पे की, कई सारे एशियन बैंक्स में काम किया और उसके बाद से 1978 में वो वापस इंडिया आ गए अपने अंकल श्री हसमुख पारेख जी की कंपनी HDFC ग्रुप के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने। और तभी से दोस्तों HDFC ग्रुप के चेयरमैन हैं श्री दीपक पारेख जी आज तक। आज 75 ईयर्स की उनकी उम्र हो चुकी है और आज तक HDFC ग्रुप के चेयरमैन श्री दीपक पारेख जी ही हैं। अब इसमें दोस्तों HDFC ग्रुप के बढ़ोतरी में दीपक पारेख जी का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि HDFC ग्रुप की शुरुआत ही हुई थी 1977 में और उसके बाद से एक साल बाद श्री दीपक पारेख जी ने इसको ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से आप सभी देख सकते हैं कि HDFC ग्रुप कहां तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों सबसे जबरदस्त वीडियो मैंने HDFC ग्रुप के बारे में बनाया है, वो आपको देखना चाहिए। उनके कार्यकाल में दोस्तों HDFC ग्रुप ने HDFC बैंक को जन्म दिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस को जन्म दिया, HDFC AMC को जन्म दिया, ग्रह फाइनेंस को जन्म दिया, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जन्म दिया और HDFC होम लोन तो इसकी पेरेंट कंपनी है ही। और इन सबका नेटवर्थ मिलाया जाए तो तकरीबन 11.5 से 13 लाख करोड़ रुपए का इस कंपनी का नेटवर्थ होता है जो कि श्री दीपक पारेख जी के अंडर में आता है। अब आप यहीं से समझ जाओ कि इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ना तो रिलायंस की है ना ही टाटा की है, लेकिन HDFC ग्रुप की है जो कि सिर्फ और सिर्फ दीपक पारेख जी के कार्यकाल में ही हमको देखने को मिली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दीपक पारेख जी के पास इकोनॉमिक्स का इतना ज्यादा ज्ञान है कि आज इस देश का हर एक कॉरपोरेट उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करना चाहता है क्योंकि दोस्तों इस देश को मोर्गेज लोन देने की शुरुआत पारेख परिवार ने ही की थी। हसमुख भाई पारेख ने हर एक हिंदुस्तानी को घर खरीदने का सपना दिखाया और उसको साकार किया श्री दीपक पारेख जी ने। मैं आपको बता दूं कि इस देश में NBFC सेक्टर की शुरुआत ही इन्हीं लोगों ने की है, उसके बाद से ही दोस्तों कई सारे NBFC सेक्टर आ गए, जैसे DHFL आ गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस आ गया या फिर मुथूट फाइनेंस आ गया, बजाज आलियंस आ गया, बजाज फाइनेंस आ गया, बजाज फिनसर्व आ गया। इसके बाद ही सारी कंपनियों ने, ऐसी सारी कंपनियों ने अपने अपने NBFC सेक्टर की कंपनी मार्केट में एस्टैब्लिश कर पाई है, लेकिन जड़ तो रखी है श्री दीपक पारेख जी ने ही। ऐसे में दोस्तों हम अगर इनको NBFC सेक्टर का भी एक बाप कहना चाहें तो हम कह सकते हैं। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूं और वो ये रहेगा कि आज दीपक पारेख जी सिर्फ और सिर्फ HDFC ग्रुप के साथ ही नहीं जुड़े बल्कि हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बहुत ही मशहूर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों 1978 में दीपक पारेख जी ने HDFC को ज्वाइन किया, उसके बाद से आज तक वो HDFC ग्रुप के चेयरमैन हैं। उसके बाद से HDFC ग्रुप की कई सारी सब्सिडरीज होगी, HDFC बैंक को छोड़कर उन सारी सब्सिडरीज के चेयरमैन श्री दीपक पारेख जी ही हैं। उसके बाद से IDFC ग्रुप के चेयरमैन भी श्री दीपक पारेख जी हैं। ग्लेक्सो इंडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री दीपक पारेख जी हैं। बुरो वेलकम लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री दीपक पारेख जी हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दीपक पारेख जी शामिल हो चुके हैं। फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दीपक पारेख जी हैं। साइमंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन होटल, सिंगटेल, वेदांता रिसोर्स जैसी कंपनियों के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल श्री दीपक पारेख जी हैं। और दुबई की सबसे मल्टीनेशनल कंपनी डीपी वर्ल्ड लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी श्री दीपक पारेख जी शामिल हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट के एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन भी श्री दीपक पारेख जी हैं दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब आपने यहीं से देख लिया कि दीपक पारेख जी कितनी महान हस्ती हैं, क्योंकि आज इस देश की कई सारी ग्रुप के साथ उनका नाता जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों अगर दीपक पारेख जी के कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करूंगा तो वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, इसीलिए दोस्तों कुछ एक अवार्ड्स के बारे में अगर बात करूं तो दीपक पारेख जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म भूषण का भी अवार्ड मिल चुका है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और आज 75 ईयर्स की उम्र में भी दीपक पारेख जी ये सारी कॉरपोरेट्स को हैंडल करते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आज कई सारे लोग अपनी एक कंपनी को नहीं संभाल पाते, ये तो 50 कंपनी को संभाल रहे हैं, और ऐसी एक भी कंपनी नहीं है इन सब में से जो कि मार्केट में बैंकक्रप्ट हो चुकी है या फिर लॉस फेस कर रही है। आज तक इनकी बैलेंस शीट में आपको लॉस तो देखने को मिला ही नहीं होगा। ये सारी कंपनियों में दोस्तों हमको एक बहुत बड़ा जे कर्व देखने को ही मिला है। जिन जिन कंपनियों में दीपक पारेख जी का पैर पहुंच जाता है वो कंपनियों के भाग्य दोस्तों मानो चमक जाते हैं। आज इस देश का हर एक सेक्टर दीपक पारेख जी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करना चाहता है, जो कि उनके लिए मानो एक बहुत भाग्यशाली बात हो जाएगी। वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दीपक पारेख जी है। क्योंकि अगर आप कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हो? कंपनी के मार्केट कैप, पीबी रेशियो, पीई रेशियो, ईपीएस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस या फिर टेक्निकल देख लोगे। लेकिन अगर आपको 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी के मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। कंपनी का मैनेजमेंट ये सारे कंपनी के फंडामेंटल्स को चलाता है, जो कि अपने आप में ही एक कंपनी के फ्यूचर को दर्शाता है। और अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, अगर मैं दीपक पारेख जी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देख लूंगा तो मैं मान लो कि आंख बंद कर भी विश्वास कर सकता हूं कि ये कंपनी आने वाले कुछ सालों में एक जे कर्व ग्रोथ देने ही वाली है। क्योंकि दोस्तों आज चाइनीज बैंक भी पागल नहीं है कि एचडीएफसी ग्रुप में ही पैसा डालने को तैयार हो चुकी है। आज कई सारे लोग एचडीएफसी में पैसा डालने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज हिंदुस्तान की एचडीएफसी ग्रुप एक ऐसी ग्रुप है दोस्तों जो कभी भी हिल नहीं सकती। कोरोना वायरस ने भी एचडीएफसी ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो दोस्तों बाकी सारे फॉल्ट्स क्या चीज़ है। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि दीपक पारेख जी जैसी हस्ती इस देश को बहुत ही गिनी चुनी मिलती है, इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए और इनके बारे में जितना हम जान सके उतना हमें जानना चाहिए। क्योंकि राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, मुकेश अंबानी तो सबके लिए एक इंस्पिरेशन होते ही हैं, लेकिन अगर ये आदमी जैसा भी आप अगर बन पाओगे तो आप राधा किशन दमानी, मुकेश अंबानी से भी बड़े इंसान बन सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।